कांग्रेस दल तरफ जो शांतिपूर्ण बंद डकरा दि जा सफल हो राज्यवासी की मु धन्यवाद जनाऊँगी और विशेष करी हाई कोर्ट रा मान्यवर हाई कोर्ट का राय को मानिकरी कांग्रेस कर्मी माने जो भावे शांतिपूर्ण भावे बंद पालन कले समस्त कांग्रेस कर्मी भाई मानू भी मु कृतज्ञता जनाऊ आमर संग्राम ये बंद हम ना आम कांग्रेस दल मान्यवर हाइकोर्टर निर्देश को मानि शांतिपूर्ण भावे बंद डाकिलु बहु अल्प समय मध्य हाइकोर्टर राय को आम वर्कर्स मानक पहुँचु ए लड़ई आगामी दिन में जारी रहिबो। ममिता मेहर परिवार को जेपर्यंत न्याय मिलना कैप्टेन दिव्य शंकर मिश्र मंत्री जेपर्यंत इस्तफा देना आमर संग्राम जारी रहिबो। दरकार पड़िले आमे कांग्रेस दल उच्च न्यायालय द्वारस्थ हेबो न्याय पाई एठारे सांबादिक सम्मेलन रे अन्यान्य वरिष्ठ नेता माने उपस्थित अछंती से माने आपण मानकु गणमाध्यम को एड्रेस करिवे पुणी थारे ओडिशावासी की ए बंद को शांतिपूर्ण भावे पालन करितिवारु सफल करितिवारु कांग्रेस दल तरफ रु आम माने समस्ते धन्यवाद जनाउछु। गोटे सरकार ओडिशारे श्रीयुक्त नवीन पटनायक नेतृत्व में चली जो सरकार अहंकार सीमा नहीं अहंकार बढ़ी जाइए तार आ सीमा ना एवं से अहंकार तो लक्ष लक्ष उदाहरण अच्छी सब बड़ उदाहरण हूँ आज दिन में ममिता मेहर बाबद आम जो हड़ताल बा बंद डाकरा दिया जाए थला स्पष्ट भाव में कह जाए जे ये बंद पालन नुआ बंद पालन कांग्रेस दल करूने अन्यान्य राजनैतिक दल करूना कोर्ट को जाई पब्लिक लिटिगेशन केस करी ताकू तार तरीका परिवर्तन करिवा पाई जो उद्यम ताकू राज्य सरकार कर ये हूँ गोटे बड़ चमचकता मान्यवर कोर्ट जहाँ निष्पत्ति देछि ताकू अक्षर अक्षर कार्यकारी करिछि कांग्रेस दल किंतु इते भयभीत होती नवीन बाबू जो त्रुटि टिको करिछन्ति बा त्रुटि करिछन्ति दिव्य शंकर मिश्र को घंट घोड़े मासाधिक समय होगला से परिस्थिति पाई से संपूर्ण भाव काले कौनसी परिस्थिति रे ओडिशार साधारण लोक भी सामिल हो आंदोलन में तेतु एक चंचकता से सृष्टि करिछन्ति जो चंचकता शिकार करने कांग्रेस को चेष्टा करिछन्ति किंतु ये जिते साधारण लोक मन को छुई गोटे नमिता मेहर नुहे बेबिना ठू आरंभ करी कुंदुली रो दलित झील ठू आरंभ करी माधवीलता ठू आरंभ करी केते घटना घटी जाऊँ प्रतिदिन नवीन पटनायक सरकार रे ये घटना पूरापूरी भाव नारी समाज को प्रभावित करी महिला माने राजरास्ता को आसवाप निष्पत्ति रही रही तेणु से आधार करी वर्तमान कौनसी बाटे कौनसी परिस्थित रे उद्यम करते बंद करने सफल हो पारे बंद आम सारा राज्य रे टेलीफोन माध्यम रे खबर नहीं सबू जिले में सब ब्लॉक रे सब अंचल रे ये बंद को आम लोक मैंने शांतिपूर्ण भाव में धन्यवाद कार्यकारी सभापति तो धन्यवाद दे सारी आपण मानक धन्यवाद दूचु आपण मैंने जहाँ देखु तार भितर बहुत
ଆପଣ ମାନେ ଠିକଣା ବାଟରେ ପ୍ରସାର କରିଛନ୍ତି, କାରଣ ମାନବିକତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଏ କଥାକୁ ବରଦାସ୍ତ କରୁନାହାନ୍ତି। ଅପରପକ୍ଷରେ ଲୋକ ୟା ସହିତ ବି ଯୋଡ଼ୁଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଦରଦାମ ବୃଦ୍ଧି ଯେଉଁଭଳି ଆକାଶଛୁଆଁ ହୋଇଛି, ଯେଉଁଭଳି ସାଧାରଣ ଲୋକର ଜୀବନକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି, ଲୋକ ୟାକୁ ମଧ୍ୟ ତା ସହିତ ଯୋଡ଼ୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟ କଥା ହେଉଛି ନମିତା ବେହେର ସମ୍ପର୍କରେ ଏବଂ ତା ସେ ସମ୍ପର୍କରେ କଂଗ୍ରେସର ଯାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି, କଂଗ୍ରେସ ଗୋଟିଏ ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦେଇଥିଲା ବା ଗୋଟିଏ ହରତାଳର ଡାକରା ଦେଇଥିଲା ଏବଂ ହରତାଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି। କିନ୍ତୁ ଏ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଯେଉଁ କଳାହାଣ୍ଡିରେ ଯେଉଁ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଇଲେ, ତାକୁ ମଞ୍ଚ ଏକ ଗୋଟିଏ ମଞ୍ଚ ଉପରେ ସାଙ୍ଗରେ ବସାଇ ତାକୁ ଯେଉଁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଲେ, ତେଣୁ ସେଇଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଉଛି ଯେ ଏ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତାକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି ଆଉ ଦେବେ। ତେଣୁ କଂଗ୍ରେସ ଖାଲି ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ରର ଇସ୍ତଫା ଦାବି, ଇସ୍ତଫା ନକଲେ ତାକୁ ବହିଷ୍କାର କରନ୍ତୁ, ତାଙ୍କର ସ୍ୱଚ୍ଛତାକୁ ଯଦି ପ୍ରମାଣିତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଯଦି ତାକୁ ବହିଷ୍କାର ନ କରିବେ ତାହେଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଇସ୍ତଫା ଦେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲଢ଼େଇ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ଜାରି ରଖିବ ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ପୁଣି ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ସଭା ଡାକିବ ଏବଂ ଆଲୋଚନା କରିବ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ କେବେ ପଛିବୁନି, କାରଣ ସବୁ ଲୋକ ସବୁ ସ୍ତରରେ ସବୁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଏକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆସିଛି, ଯେଉଁ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବୁ। ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସତକୁ ଲୁଚାଇବା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କେତେ ତତ୍ପର ଆପଣ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଜାଣୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏ ଯେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଘଟଣା ଘଟିଛି, ଯେତେ ନାରୀ ଧର୍ଷଣ ହେଉଛି, ଯେତେ ହତ୍ୟା ହେଉଛି, ଯେତେ ରାହାଜାନି ହେଉଛି, ନାରୀମାନଙ୍କର ଯେଉଁଭଳି ସ୍କ୍ରାଚିଂ କରୁଛନ୍ତି ରାଜରାସ୍ତାରେ ଗଲାବେଳକୁ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ରାଜରାସ୍ତାରେ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଏକ ଭାବନା ଆସିଛି ଯେ ଏ ସରକାର ଥିବା ଭିତରେ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆଉ ଲୋକଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବନି। ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି, ଆପଣମାନେ ଯେତେ ସବୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ମିଡ଼ିଆ ଯେତେ ସବୁ ପତ୍ରକାର ବନ୍ଧୁ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଏକଥାକୁ ନେଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ରାଜନୀତିର 40-45 ବର୍ଷର ଅଭିଜ୍ଞତାକୁ ନେଇକି ଇଏ ଗୋଟେ ସରକାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିରବ ହୋଇଯାଇଛି, କିଛି ଶୁଣିବା ପରିସ୍ଥିତିରେ ନାହିଁ ଏବଂ କେବଳ କ୍ଷମତା କେତେବେଳେ ମିଳିବ, କେତେ ସଂଖ୍ୟାରେ ସେ ଜିତିବେ କେବଳ ସେଇଥିରେ ଅଛନ୍ତି, ତାକୁ ଆପଣ ଆମେ ସମସ୍ତେ କେବେ ବରଦାସ୍ତ କରିବା ନାହିଁ। ଆଜି ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସ କମିଟି ତରଫରୁ ଦାବି କରାଯାଇଥିଲା ମମିତା ମେହର ହତ୍ୟା ଘଟଣାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ମନ୍ତ୍ରୀ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ରଙ୍କର ଇସ୍ତଫା ଏବଂ ଗିରଫଦାରୀ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଥିବା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ଇସ୍ତଫା ଏବଂ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆଜି ଆଶାତୀତ ଭାବରେ ଇଏ ବନ୍ଦ ଡାକରା ସଫଳ ହୋଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସ ତରଫରୁ ଓଡ଼ିଶାର ଜନସାଧାରଣ ଏବଂ ହାଇକୋର୍ଟର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ମାନିକି ସବୁଠି କଂଗ୍ରେସ ଲୋକ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆମର କର୍ମୀ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଭାପତି ଆମର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଯେ ଇଏ ସଫଳତା ଇଏ ଏକ ନୂତନ ଢଙ୍ଗରେ ନୂତନ ଢାଞ୍ଚାରେ ଇଏ ବନ୍ଦ ପାଳନ କରାଯାଇଛି, କାରଣ ହାଇକୋର୍ଟ ଏଥିରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିଛନ୍ତି, କେଉଁ କାରଣରୁ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିଛନ୍ତି ଜଗତାତ ଜୟଦେବ ବାବୁ କହିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ହାଇକୋର୍ଟକୁ ଯାଇଥିଲେ ଆଶଙ୍କା କରିକି, କଂଗ୍ରେସ ଦଳର ସେଭଳି କିଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନଥିଲା, ଆଶଙ୍କା କରିକି ସେମାନେ ଯାଇଥିଲେ ହାଇକୋର୍ଟକୁ ଯେ ଏମାନେ ଦୋକାନ ବଜାର ବନ୍ଦ କରିବେ, ଗାଡ଼ି ଘୋଡ଼ା ବନ୍ଦ କରିବେ, କିଛି ହିଂସାତ୍ମକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ବୋଲି, ସେଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କଂଗ୍ରେସର ନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଆଶଙ୍କା କରିକି ଯାଇଥିଲେ ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଲିଗାଲ ସେଲ୍ର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଏବଂ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ତରଫରୁ ଅତୀତରେ ଖାଲି କଂଗ୍ରେସ ଆଜି ବିରୋଧୀ ଦଳରେ ନାହିଁ, ଅତୀତରେ ସବୁ ଦଳ ଥିଲେ ଏବଂ ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦିଆଯାଏ, କିଭଳି ବନ୍ଦ ଡାକରା ହୁଏ ସେଥିର ଉଣା ଅଧିକ ସମସ୍ତ ରହିବ ଅଭିଜ୍ଞତା ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଯେଉଁ ଆଶଙ୍କା ପ୍ରକାଶ କରି କଂଗ୍ରେସର ଯେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନ ବଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ ପାଇଁ ଡାକରା ଯାଇଥିଲା ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଭଣ୍ଡୁର କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଅପଚେଷ୍ଟା ହୋଇଥିଲା ସେ ଅପଚେଷ୍ଟା ଆଜି ବ୍ୟର୍ଥ ହୋଇଛି, ଜନସାଧାରଣ ଆଶାତୀତ ଭାବରେ ସମର୍ଥନ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ହାଇକୋର୍ଟର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଆମେ ଠିକ୍ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିଛନ୍ତି, ଆମ ଦଳର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିଛନ୍ତି କର୍ମୀମାନେ, ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଧନ୍ୟବାଦ ଏବଂ ଆଶା କରୁଛୁ ହାଇକୋର୍ଟ, ମାନ୍ୟବର ହାଇକୋର୍ଟ
जो राय दे केवल कांग्रेस दल पर नुह ये समस्त राजनैतिक दल पर यह निर्देश रहा दरकार एवं आशा करूँ भविष्य में ये निर्देश को समस्त राजनैतिक दल मानवाप चेस्टा करेंगे केवल कांग्रेस दल पर ना सबू जिते बंद डाकरा दिज्व यही भाव में शांतिपूर्ण भाव में हाइकोर्ट जो निर्देश रही समस्ते पालन करेंगे आम आशा करूँ और आम जथे सम्मान दे हाइकोर्ट निर्देश को आशा करूँ राजनैतिक दल से भाव में निर्देश देवे एवं जो कथा जो घटना आम आरंभ कर जो उद्देश्य ये बंद डाकरा दि जाता ये उद्देश्य संपूर्ण भाव में पूरण हो ममिता बेहरा पर न्याय मिलवा जनसाधारण जो समर्थन देशाव्यापी जनसाधारण समर्थन देखा पर न्याय दिजा एवं ममिता बेहरा घटना जो मैंने संपुक्त अपराधी मान दंड देवाई एक कांग्रेस दल आह्वान समग्र ओडा आज एकत्रित समग्र ओडावासी आज से कथा को समर्थन करमर जो उद्देश्य था से उद्देश्य साधित हो समस्त राजनीतिक दल या बंद को जो प्रणाली हाइकोर्ट स्थिर करके मानवे आम आशा करमिता बेहरा न्याय देवाई आमे से उच्च न्यायालय द्वारस्थ हबु जो कथा सभापति कहले कार्यकारी सभापति कहले आमे द्वारस्थ हबु एवं ए क्षेत्र में हाइकोर्ट जो उद्वेग प्रकाश करी एवं ममिता बेहरा घटन हाइकोर्टर तत्वधान अनुसंधान एवं जो माने अपराधी से कौन प्रकार निस्तार न मिलू एक आम चाहूँ और आशा करूँ मान्यवर उच्च न्यायालय ममिता बेहरा परिवार को न्याय देवाई एवं ममिता बेहरा जो मैंने संपृक्त अपराधी मान दंड देवाई निश्चित भाव पदक्षेप ग्रहण करेंगे। प्रदेश कांग्रेस कमिटी डाकरार जोटा हताश आज पूरा राज्यवासी साफल्य कर सभापति कार्यकारी सभापति धन्यवाद जड़ाई एवं ये हड़ताल डाकरा कहीं लगे दरकार पड़ला विशेष करी आमे माने समस्ते जाचु आठ दस रे आठ दस दुई हजार एकुश रे ममिता मेहर झर्णीर जो भली भाव में किडनैप कर चादतरा छापुर महालिंग गोटे स्टेडियम तले पर्वतपूर्ण भाव में पीस पीस करी मारी दे टायर पड़ी पोति दिगला एवं ये तो गोटे लोकर कार्य नुह जिते लोक थिले एवं विशेष करी मान्यवर मंत्री दिव्य शंकर मिश्र इतिर इनवल्वमेंट आसुले जोटा कि तार माँ बापा स्पष्ट भाव में कही सारी कि मान्यवर मंत्री से जगार आती आसुले राति जापन करुले मान्यवर मंत्री मत कहते बहुत समय रे ये स्कूल को आसे एवं घंटा घंटा ये व्यतीत करे झो पिला मान को जोश दिले एवं मते यंग लगे यही भोली गैर मंतव्य देखा मंत्री एवं जो भोली भाव में प्री प्लान षड्यंत्र 120 बी 302 120 बी लगी भी खाली जन को गोविंद साहू को 13 तारीख पुलिस अरेस्ट कला एवं से दिने बा 24 घंटा भितर भी कोर्ट को फड़वान करगला नहीं ताको भागीबार भी स्कोप दिगला चार दिन पर रखा जाइला थाना रे बैरेक रे यही भाव ताको भागीबार सुजोग दे जेते प्रमाण को नष्ट करिबार सुजोग दिगला एवं तांको घर लोक निजे कही कि 19 तारीख रु 23 तारीख पर्यंत से रायपुर जाइले एवं से कथबार्ता सबू मध्यस्थित मंत्री करते किंतु पर आपण देखिदेवे माँ बापा को ये ज्यादा चापर पकई दिगला से मैंने भयभीत होना करने केस रे मुदला को 24 घंटा भितर फॉरवर्ड न करिबा एवं
माँ बापार स्टेटमेंट चेंज करिबा प्रमाण को नष्ट करिबा पुलिस ये सब कार्य करूथिबारु माननीय मंत्री को घंट घोड़ा सरकार एवं जो माननीय मुख्यमंत्री कहते साइड ऑफ करप्शन बाद छाई रू भी जे पाख को आसी दौन से ही मंत्री को छाई कथा छाड़ू सांगे भवानी पटना बसई मीटिंग रे ताली बजे देखागला परिस्थिति रे निश्चित भाव आज ओडिशावासी गोटे दुष्ट राष्ट्र तुलना करुछंती माननीय मुख्यमंत्री नवीन पटनायक दुर्योधन जो बोली भाव पो दुष्ट राष्ट्र पो को दुष्ट राष्ट्र को किसी दिशु नाला नवीन पटनायक को किसी दिशु ना आम गणतांत्रिक मध्यम सबु प्रकार ये दुई दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस कलु महामहिम गवर्नर को मेमोरेंडम देलु एवं आपण मैने सबु जगार आम मानक सहयोग कर विशेषकर ये आंदोलन जनसाधारण आंदोलन हो जाए किसी दिन तेज आप देखि आरटीआई कर्मी ढेंकानाल से माने मध्य माननीय मंत्री को ढेंकानाल बरखास्त करा जाओ बोली जड़े मंत्री को से माने मध्य ब्लैक कला पताका देखा थे तो यही बोली भाव में ये सरकार ये केस रे माननीय मंत्री को बरखास्त करवा जगार तांको विरुद्ध तदंत करने जगार घंट घोड़ आमे माने आज प्रदेश कांग्रेस कमिटी रु माननीय प्रदेश कांग्रेस कमिटी डाटरा रे आज गणतांत्रिक मध्यम आज हड़ताल सफल होपण मानक समस्त को धन्यवाद दूचू एवं किसी समय तले जेते बेले आमे समस्ते गणतांत्रिक मध्यम माननीय उच्च न्यायालय आदेश निर्देश मानी आम अक्षर अक्षर पालन करूँ से ही समय रे आमर मास्टर कैंटीन छक युवक कांग्रेस पिला मानकु पुलिस गोटे गाड़ी रे मड़ेबार चेष्टा करूँ सरकार निजर तरफ युवक कांग्रेस कर्मी मानकु गाड़ी रु मड़ेबार चेष्टा करूँ सरी छात्र कांग्रेस जो जगार आमर छात्र माने साइलेंट हो मुंड लुई गणतांत्रिक मध्यम माननीय हाइकोर्टर आदेश निर्देश को पालन करी आज साइलेंट रही तो ये सरकार आमर ये जोटा हड़ताल अच्छी ताकू भी विफल करवार पुलिस को गुंडा लगे बंद करवार चेष्टा करूँ निश्चित भाव रे ये आंदोलन एवं गोटे पार्टी आंदोलन रहिला नहीं ये ओडिशार झीर आंदोलन आज दिल्ली पर्यंत पहुंची जाइछि एवं निश्चित भाव रे आगामी दिन में आपण माने देखिबे ये सरकार को गादीच्युत करिबे लोक माने एही ममता मेहर को न्याय पाई आज सब ओडिशावासी समस्त एक हो एवं ये अहंकारी सरकार एवं दुष्ट राष्ट्र को इमिडिएटली गादी रु उतारंतु पचार क्लियरिफिकेशन क्लियरिफिकेशन हाँ यस यस सस्मित पात्र जहाँ कही से दयाकोरी माननीय मुख्यमंत्री को निर्देश दिंतु इमिडिएटली दिव्य शंकर मिश्र को बर्खास्त करूँ से आम दलर कथा कौन कौन बीजेडी बीजेपी पर गोटे कॉइन दुईटा पार्श्व एवं केन्द्र जिते बिल पास करुच्चर पैसा खाई खाई अभ्यास से माने ये कथा कौन बार बजे सरी से माने केमती जानिले एवं लोक माने सो मोटो बंद करमें माने हड़ताल करूँ पूरा पूरी प्रभाव अच्छी एवं माननीय उच्च न्यायालय आदेश निर्देश मानिक आज कांग्रेस कर्मी माने देखते कि लोक माने
ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କର ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ସବୁ ଚକ୍ରାନ୍ତକୁ ଜନସାଧାରଣ ଫେଲ୍ କରିବେ ଏବଂ ଏ ଅହଙ୍କାରୀ ଦୁଷ୍ଟ ରାଷ୍ଟ୍ର ସରକାରକୁ ଗାଦିଚ୍ୟୁତ କରିବେ। ଆମେ ଲାଷ୍ଟ ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡ ତକ ଯିବୁ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ମାଧ୍ୟମରେ। ଏବେ ବିଧାନସଭା ବି ଆରମ୍ଭ ହେବ, ବିଧାନସଭାରେ ଫେର୍ ଆମେ ଲଢ଼େଇ କରିବୁ କଂଗ୍ରେସ ତରଫରୁ।